कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग पढ़ रहे थे बेटे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और पाउलिंग ने जब 1931 में इस थ्योरी को किया तो कुछ जो पोस्टुलेट्स या अजम्पशंस इस थ्योरी को लेकर के जो भी उन्होंने दिए वो कुछ हमने डिस्कस कर लिए थे और कुछ हम लोगों को अभी डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करते हैं कि फटाफट से उन सभी अजम्पशंस को एक बार क्या देख लेते हैं उनका कि वो क्या क्या थे फटाफट से, और जो हमने नहीं पढ़े उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेंगे और ज्यादा। पहली बात तो हमने ये कही कि पाउलिंग ने इसको दिया और बताया कि जो ये थ्योरी है वो कुछ बातों में डील करती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, जो सेंट्रल मेटल आयन या एटम का जो ग्राउंड स्टेट है उसको ये उससे हम डील करते हैं। फिर सेंट्रल मेटल एटम जो है उसमें किस तरह की बॉन्डिंग है वो ये बताता है। फिर ज्योमेट्री कैसी है या शेप कैसा है वो ये बताता है। साथ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो कॉम्प्लेक्स की किस तरह की होती हैं उस बारे में ये जो थ्योरी है वो हमको काफी कुछ बताती है। और इसी के बेस पर उन्होंने कुछ अजम्पशंस दिए। इसमें पहला अजम्पशन था कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन जिसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स SPDF कोई भी जो अवेलेबल हो, जितने भी वो कोऑर्डिनेशन नंबर रखता है उतने SPDF एम्प्टी ऑर्बिटल्स काम आते हैं, और वो जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइज होंगे और सेम एनर्जी के डेफिनेट ज्योमेट्री में एक अरेंज हमें एक सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। और जो लिगेंड होंगे जो उन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में अपने लोन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और डोनर की तरह बिहेव करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम जो है वो एक्सेप्टर का काम करेगा, तो उस लिगेंड के पास में कम से कम एक ऐसा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जरूर चाहिए। ठीक है ना। और साथ में हमने कहा कि जो हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो इनर ऑर्बिटल हो सकते हैं जिसको हम N-1d से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर वो ND हो सकते हैं जो आउटरमोस्ट शेल जो भी होगा उसका डी ऑर्बिटल, या फिर उस आउटरमोस्ट सेल से एक पहले का जो सेल है जो पेनल्टीमेट सेल जिसे आप बोलते हो, इनर शेल जिसे आप बोलते हो, उसका जो डी ऑर्बिटल है वो काम मिलेंगे। तो उस तरह से इसको हम आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल में हमने किया हुआ है कि ये जो है वो हमारे इनर ऑर्बिटल्स हैं क्योंकि इसमें अंदर वाला डी ऑर्बिटल काम आया है, और ये जो है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें डी ऑर्बिटल बाहर वाला काम आता है। तो इसी के बेस पर अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को देख रहे थे तो हमने यहाँ पर बताया था कि वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रखेगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे अगर उनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वो कैसे होंगे, d2sp3 टाइप के होंगे, और अगर उनको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें sp3 d2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि d जो है वो आउटर उसका काम में लिया है और यहाँ हमने d को इनर वाला जो शेल है उसका डी ऑर्बिटल काम में लिया है। तो इस तरह से यहां तक हमने बात कर ली थी। आगे की बात ये है कि जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये वाले जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं तो आप इसमें देखोगे कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स वो होंगे जिसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, स्मॉलर। क्यों? क्योंकि देखो जब अंदर वाला डी ऑर्बिटल काम आ रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो डी ऑर्बिटल है उसमें पेयरिंग हो रही है तभी वो खाली हो रहा है। ठीक है ना। क्योंकि तो हम यहाँ पर अगर डी ऑर्बिटल की बात करें, मान लीजिए कि ये 3D ही है और यहाँ ये 4s है और ये 4p है, 4p, तो अगर इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन d4 सिस्टम में ही अगर हमने ले लिया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर कितने हैं, 4। लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपने लिया हुआ है तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास में डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होगी वो कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ देखो कि यहाँ तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे जबकि यहाँ पर एक भी नहीं है,
यहाँ जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इनर ऑर्बिटल, जो ये जो काम आए हैं डी ऑर्बिटल्स, इनर ऑर्बिटल वाला जो हमारा कॉन्फिगरेशन होगा, वहां पर स्मॉल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और स्मॉल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस वजह से हम इन्हें क्या बोलेंगे, लो स्पिन, लो स्पिन, या फिर इसको कई बार इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को हम स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, स्पिन पेयर्ड, ठीक है ना। और ये इनर तो है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से इनमें से आप किसी भी टर्म को इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो आप उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोल सकते हो, या उसको स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस बोल सकते हो, या इनको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कह सकते हो। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, हम बात करते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस अगर है हमारे पास, तो आउटर ऑर्बिटल में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बाहर का डी ऑर्बिटल काम आया है यहाँ 4p, और के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे 4d। ये 4d अगर काम आ रहा है जो आउटर ऑर्बिटल का है, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए ऐसे हम क्या बोलेंगे, हाई स्पिन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर स्पिन कर रहे होंगे बजाय पेयरिंग के, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्पिन पेयर्ड की जगह स्पिन फ्री, स्पिन फ्री, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स विदाउट पेयरिंग अवेलेबल है, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस तो ये हैं। तो इस तरह से दो तरीके से हमने यहाँ पर इसको डिवाइड किया हुआ है, और पॉलिंग ने अपनी थ्योरी के अंदर इनको अलग अलग टर्म से बताया। इसी तरह से एक बात और उन्होंने कही कि जो इनर जो नॉन बॉन्डिंग इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन के, वो कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा कि नॉन बॉन्डिंग इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बना, क्योंकि यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं, मान लीजिए कि हमने यहां पर एक ये कंपाउंड ले लिया, ठीक है ना, और इस कंपाउंड में अगर हम यहां पर देखें तो जो बॉन्ड बनाने वाली, जो ये जो एफी के साथ में जो बॉन्ड बनाने वाली जो स्पीसीज हैं, वो कौन है, वो सिर्फ और सिर्फ ये एमीज जो हैं, ये एमीज ही यहां पर इसके साथ में बॉन्ड बनाए, ठीक है ना। और यहाँ डी ऑर्बिटल इसके पास में खाली है, एफी के पास में, उस डी ऑर्बिटल को अपना जो लोन पेयर है, ये अमोनियम जो लिगेंड है, अमीनो लिगेंड, वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन इस एफी के जो और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नॉन बॉन्डिंग है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑर्बिटल काम में आते हैं, जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो काम में आते हैं। ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हमारे पास में है, ये सिर्फ काम आते हैं। एक अजम्पशन इसमें ये भी था। फिर इन्होंने जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को बेस करके भी यहाँ पर एक बात बताई कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस किसी भी सेंट्रल सॉरी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में अगर प्रेजेंट है, तो वो कंपाउंड होंगे कैसे, पैरामैग्नेटिक। मतलब कि आप ये जो इनर पेयर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है ना, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इसमें पेयरिंग होती जाती है, इसीलिए अंदर का काम आया, इसलिए ये होंगे डाया मैग्नेटिक। लेकिन जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है, इसमें बाहर वाला डी ऑर्बिटल काम आएगा, उसमें अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर नहीं होंगे, इसलिए जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वहां पे मिलेंगे तो उसे हम बोलेंगे पैरा मैग्नेटिक, ठीक है ना। सो ये मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो भी एक्सप्लेन करता है ये। साथ में जब इलेक्ट्रॉन इसमें फिलिंग होती है, मान लीजिए कि कोई भी ऑर्बिटल है, हम डी ऑर्बिटल को ही ले लेते हैं क्योंकि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की बात हम कर रहे हैं, तो डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और डी ऑर्बिटल में जो हुंस मल्टीप्लिसिटी रूल है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। हुंस जो रूल है, हुंस का जो मल्टीप्लिसिटी रूल है वो 100% फॉलो होता है। मल्टीप्लिसिटी रूल क्या है कि अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सबसे पहले ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल होंगे, और अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये पेयरिंग होने के बाद में, वो सॉरी एक एक सिंगल ही फिल्ड होने के बाद में फिर पेयरिंग होगी। लेकिन अगर हुंड रूल फॉलो नहीं हो तो क्या होगा, दो
होम रूल फॉलो अगर नहीं होता है, तो अगर मान लीजिए कि इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स भी अगर प्रेजेंट हैं, तो ये पहले पेयरिंग करेगा और तीसरे वाले को यहाँ डाल देगा, तो दो की तो यहाँ पे पेयरिंग हो गई और एक यहाँ पर अनपेयर हो गया। लेकिन ऐसा ये उन्हीं केसेस में करता है जहां पर लिगेंड जो है वो ऐसा हो स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर रूल्स मल्टीसिप्लिटी का जो रूल है वो ब्रेक होता है। इसके अलावा जो भी केसेस होंगे उसमें मल्टीसिप्लिटी रूल वो 100% फॉलो होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अजम्पशंस थे जिससे हम बहुत सारे कंपाउंड्स को उनकी जो फॉर्मेशन है उसको आसानी से समझ सकते हैं। और यहाँ हम कुछ कंपाउंड्स की बात करेंगे और उनकी फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस तरह से इन कंपाउंड्स को फॉर्म जब हम करते हैं तो क्या वाकई ये जो हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज और इतने सारे अजम्पशंस जो दिए हैं उन सबको फॉलो करते हुए क्या ये वाकई उसको फॉर्म कर सकता है और हमें एक एक्सप्लेनेशन दे सकता है उस कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ एक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो अभी देखो इससे पहले मैंने जो लिखा था इसी को ले लेते हैं। नाम इसका कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। हेक्साअमीन आयरन 3 आयन। सो इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो Fe यहां पर हमारा सेंट्रल मेटल एटम। तो हमारा जो फर्स्ट अजम्पशन है वहीं से हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट अजम्पशन हमारा ये कहता है कि जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा उसके जो वैकेंट sp(d)f ऑर्बिटल्स हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर में काम आते हैं और हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर तो बाद में निकालेंगे, वो तो हमें यहाँ पता ही है कि 6 है। ठीक है ना, हम यहाँ पर आयरन की कॉन्फिगरेशन देख लेते हैं ताकि हम इलेक्ट्रॉन को इजीली यहाँ पे फिल कर पाए। सो जो Fe है उसका जो एटमिक नंबर होता है वो कितना होता है, कोई बता सकता है? सिक्स। ओके, 26 होता है। और अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18। ठीक है, और अभी हमें कितने भरने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स और भरने हैं। सो 3d6 सर R1 तक 18 लिखे, 3D6 NS2 लिख दो ना। मेरी आदत है कि मैं पूरा लिखता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई पता नहीं चलता कि हमारा जो इससे पहले वाला जो नोबल गैस है वो कौन सा है। ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वजह से मेरी आदत यही बनी हुई है कि मैं पूरा लिखूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, सो देखो यहाँ हम अब बात करेंगे और ये आपके पास में है 4p0 और 4d0। तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन इसमें होता है और यहाँ अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं कि इसके पास में कितने ऑर्बिटल्स हैं और किस तरीके के प्रेजेंट हैं। तो ये तो हमने सबसे पहले बनाया 3d, ये हमने बनाया 4s, ये हमने बनाया 4p और ये हमने बना दिया 4d। 4d इसलिए बना रहे क्योंकि अगर हमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बनाना पड़ गया तो हमें वहां आसानी रहेगी। ठीक है, सो हम यहां पर लिख देते हैं 3d, 4s, 4p एंड 4d। नाउ अब हम यहां पर देखो 4d में सॉरी 2 आ गया, ये रहा 3d में हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, 3d6, 4s2, 0 एंड 0। अब 3d6 को हम कैसे भरेंगे? अकॉर्डिंग टू देयर व्हाट?
हुंड्स रूल। अब यहां पर हुंड रूल फॉलो होगा, लेकिन सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि एफी जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो एफी यहाँ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो +3 ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम एफी की बात करें और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसकी है +3, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स आप कम करोगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे कम करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके इस आउटर मोस्ट शेल में से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस 3D से रिमूव होगा। तो टोटल आपके पास में 3d5 बचेगा। तो 3d5 को मैं हुंड का मल्टीप्लिसिटी रूल फॉलो करते हुए यहां लिख देता हूं। इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आपके पास में एफई के लिए आ जाएगा। अब हम बात करेंगे, तो हमने यहां देखा कि जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो काम आएंगे। तो जब भी अब NH3 6 जब इस Fe3+ के पास में आना शुरू करेंगे तो क्या होगा, तो ये जो Fe3+ है इसके ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे। लेकिन हाइब्रिडाइज कैसे होंगे, उस में इस NH3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। तो आप लोगों में से कोई बता सकता है कि NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है? लिगेंड है सर। तो NH3 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इसकी टेंडेंसी होती है कि ये क्या करेगा, जो बेयरिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू कम होती है जब हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की बात करते हैं। तो बेयरिंग एनर्जी कम होने की वजह से वो आसानी से अटेन हो जाती है, और अटेन हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देगा। तो यहाँ ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को यहाँ दिख रहे हैं इसको हम यहाँ पर पेयर कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन तो मूव हो करके कहाँ जाएगा, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जाए, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ। तो इस तरह से ये हमारे पास एक नया सिस्टम आ जाएगा जिसमें हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल किए होंगे। तो ये देखो ये पेयर हो जाएगा, ये सेकंड वाला जो है ये भी पेयर हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर रहेगा और ये दो ऑर्बिटल्स जो है वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स रहेंगे या वेकेंट ऑर्बिटल्स रहेंगे। और अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अंदर वाला डी ऑर्बिटल यहाँ पर काम आने लगेगा। तो अंदर वाला डी ऑर्बिटल जब काम आने लगेगा तो ये आपका 4s या हमारे पास में 4p, तो ये 4s और ये 4p। अब 6 जो लिगेंड्स हैं वो यहाँ पास में आ रहे हैं, तो 6 ऑर्बिटल्स इसके हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। तो कौन कौन से 6 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे, ये 3d है तो दो तो होंगे ये 3d के, एक होगा s का और 3 होंगे p के। तो d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये कर लेता है। अब इसमें क्योंकि d ऑर्बिटल अंदर वाला काम आया, इस वजह से इस ऑर्बिटल को, इस कंपाउंड को हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये जितने भी NH3 हैं वो अपना लोन पेयर इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में प्रोवाइड कर देंगे। ये वाला NH3 भी इसमें इस तरह से, ये और ये, इन तीनों में भी NH3 NH3 और NH3। अब अगर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को स्टडी करें तो आप यहां देखोगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में प्रेजेंट हैं। सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर है यहां पे। तो ये पैरामैग्नेटिक
लेकिन इसकी मैग्नेटिज्म को अगर हम देखें, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही मैग्नेटिज्म, जो पैरामैग्नेटिज्म की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो ये वीक पैरामैग्नेटिज्म कंपाउंड होता है या बहुत कम पैरामैग्नेटिक करेक्टर रखता है, सो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम इसको देखें कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो ये आप यहां लिख सकते हो डी ऑर्बिटल अंदर का काम आया, इसलिए इनर ऑर्बिटल है। अंदर का काम आया है, पेयर हो चुके हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, स्पिन पेयर्ड। ये ऑर्बिट, ये कॉम्प्लेक्स ऐसा हो जाएगा स्पिन पेयर्ड। अब स्पिन पेयर्ड में इस बात में कंफ्यूज मत हो जाना कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर होंगे तभी उसको स्पिन पेयर्ड बोलेंगे, नहीं। अगर यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो थे उसकी एक की भी पेयरिंग अगर हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लिगेंड, तो यहां वो स्पिन पेयर्ड ही कहलाएगा, ठीक है। और लो स्पिन, क्योंकि यहां पे पेयरिंग हो रखी है इसलिए ये हो जाएगा लो स्पिन। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम इस कंपाउंड की बता सकते हैं और इसकी फॉर्मेशन बता सकते हैं कि किस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पर ये जो कंपाउंड है इन्होंने अपना बॉन्ड फॉर्मेशन किया है। तो ये NH3 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो दो इलेक्ट्रॉन्स, इसको मैं यहाँ पर इस क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो ये बता रहे हैं कि इसने NH3 जो है उसने इसको डोनेट किया है, और सेंट्रल मेटल आयन जो हमारे पास में Fe3+ है उसने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, ठीक है ना। और एक और बात मैं बताना भूल गया, वो ये कि जितने कोई भी कंपाउंड अगर वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अगर होता है, ठीक है ना, वो कम स्टेबल होगा और जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि तो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वो उतना ही स्टेबल होगा। मतलब डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ऐसे करके ये जो एक एग्जाम्पल था वो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर आप इसी NH3 की जगह ये जो हमने लिगेंड यहाँ लिया है और इस FeNH3 की जगह अगर आप एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की जगह अगर आप वीक लिगेंड ले लो, जैसे हमने मान लीजिए कि वाटर ले लिया, तो वाटर इज अ वीक लिगेंड, ठीक है ना। तो ये हेक्सा एक्वो आयरन 3, यहां क्या होगा जब बॉन्ड फॉर्म होगा, तो देखो सेम बाकी चीजें तो सब सेम रहने वाली है, लेकिन जब हम यहां 3D की बात करते हैं, 4s की बात करते हैं और 4p की बात करते हैं, और यहां हम 4d भी लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास में है 3D, 4s, 4p, 4d और Fe3+, और Fe3+ यहां पर हमारे पास में है, तो यहां पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, केवल 5 इलेक्ट्रॉन्स 3D में प्रेजेंट होंगे, और क्योंकि ये वीक है इसलिए यहां पेयरिंग नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन इस डी ऑर्बिटल्स में फेल हो जाएगा। और जब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन फेल हो गए और पेयरिंग हो नहीं रही, तो अब ये डी ऑर्बिटल जो अंदर वाले हैं वो काम में नहीं आएंगे। अब जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन में कौन काम आएगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन में ये जो 4s, 4p और जो 4d है ये काम आएंगे। जो 4s है, 4p है और 4d है, ये काम आएंगे। तो हमें मालूम है कि 6 टोटल कुल मिलाकर के हमारे पास लिगेंड्स हैं, तो यहाँ ये 4s, 4p और तो यहाँ हमारे पास में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बन करके रेडी हो जाएगा, और ये जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये सब इसको क्या करेंगे, अपना लोन पेयर प्रोवाइड कर देंगे। ये लोन पेयर आप ये प्रोवाइड कर देगा वाटर मॉलिक्यूल्स, और इस तरह से इसको आप शो कर सकते हो, इस सब में शो कर सकते हो इस तरह से, जैसे हमने अभी इससे ऊपर वाले में शो किए थे, ऐसे इसमें, ऐसे इसमें, ऐसे इसमें, सब वाटर मॉलिक्यूल्स।
अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज को अगर हम यहां देखें तो आप यहां प्रॉपर्टीज बता दो। डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक है क्योंकि यहां पर बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को दिख रहे हैं, यहां इतने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को दिख रहे हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। लेकिन ये पैरामैग्नेटिक और इससे पहले जो हमने कंपाउंड देखा था, हेक्सा आई मीन निकल सॉरी निकल नहीं, आयरन थ्री, वो भी पैरामैग्नेटिक था। लेकिन इसकी पैरामैग्नेटिज्म और इसकी पैरामैग्नेटिज्म दोनों में अंतर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे फाइव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ये रखता है। दूसरा, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें बाहर का डी ऑर्बिटल काम आया है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्योंकि इतने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये स्पिन फ्री कंपाउंड है, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। और क्योंकि बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्री घूम रहे हैं, इसलिए इसकी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी इसको हम कह देते हैं, ठीक है ना। सो ऐसे करके आप अलग अलग कंपाउंड्स को बता सकते हो कि वो किस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फॉलो करते हुए और अपनी स्ट्रक्चर बनाते हैं, या अपना जो कंपाउंड है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का था। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स की जगह कोऑर्डिनेशन नंबर फोर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर, तो आपको मालूम है कोऑर्डिनेशन नंबर फोर दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनाता है। एक बनाता है टेट्राहेड्रल और दूसरे होते हैं स्क्वायर प्लैनर। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को हम यहां पर बताएं तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3, और स्क्वायर प्लैनर की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी dsp2। तो आप लोग, अगर मैं आप लोगों को यहां पर एक कंपाउंड दूं और कहूं कि हमारे पास ये कंपाउंड है, और एक और कंपाउंड में आपको दूं, तो ये टेट्रासाइनोनिकलेट टू, और जो नीचे वाला कंपाउंड है वो टेट्राक्लोरोनिकलेट टू, ये दो कंपाउंड्स हैं। अब आप मुझे बताओ कि कौन तो टेट्राहेड्रल है, कौन स्क्वायर प्लैनर है, क्या कोई बता सकता है जल्दी से? कैसे करोगे? मैं आपको बताता जाता हूं, आप लोग वैसे वैसे करते जाओ। देखो, पहले सबसे पहले क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरे नंबर पे क्या करोगे, दूसरे नंबर पर वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है उस हिसाब से उसके इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो। तो यहां पर ये जो है निकल, वो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें भी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल देना उसके आउटर मोस्ट शेल से। अब अगर हम यहां पर इसकी बात करें किसकी, कि इसके पास लिगेंड किस किस तरह के हैं, तो देखो सी एन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये जो सी एन है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और जो सी एल है वो वीक लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बेस पर आप जब इन लिगेंड्स को इस मेटल आयन या सेंट्रल मेटल आयन के पास में लेके जाओगे, तो कैसे वो पेयरिंग करेगा, इनके जो भी Ni2+ के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से आप पेयरिंग करोगे, तो आपको या तो डी ऑर्बिटल, क्योंकि चार ही ऑर्बिटल चाहिए ना, तो sp3 से मिल जाता है, डी काम नहीं आता। लेकिन अगर आपको अंदर वाला काम में लेने हो तो आपका dsp2 कॉन्फ़िगरेशन, वो सॉरी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो देखो नाम से ही पता चल गया, अब आपको इतना निकालने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपने इसको स्ट्रांग मान लिया, तो ये स्ट्रांग होने की वजह से ये क्या करेगा, इसको ये पेयरिंग कर देगा, पेयरिंग कर देगा तो अंदर वाला डी ऑर्बिटल इसमें काम में आ जाएगा, और अंदर वाला डी काम आ जाएगा, इसलिए आप यहां पर क्या कह सकते हो कि ये जो कंपाउंड है दिस वन, ये कैसा होगा, ये स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स। और ये जो कंपाउंड है जहां पर सीएल जो वीक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, तो जो भी निकल टू प्लस की कॉन्फ़िगरेशन होगी उसको ये एज इट इज रखेगा, कोई पेयरिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू चार कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर हमारा आएगा, और ये जो टेट्राहेड्रल है उस तरह की ज्योमेट्री शो करने लगेगा।
ठीक है ना। तो बहुत कुछ पूरा करने की जरूरत नहीं, अगर आप लोगों को ये भी मालूम है कि ये स्ट्रांग है अभी। लेकिन अब मजे की बात यह है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ना, वो ये बताता ही नहीं है कि स्ट्रांग लिगेंड कौन है और वीक लिगेंड कौन है। अब जब बताता नहीं है, तो अब यहां पर इसकी कुछ कमियां हम देख लेते हैं। इसको आप करके देखिएगा, जो मैंने आपको दोनों कंपाउंड्स लिखे हैं इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आप लोगों को यहां पर बात करता हूं फटाफट से कि बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें देखने को मिलती है। पहली लिमिटेशन क्या है? पहली लिमिटेशन तो यह है कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 उसको एक्सप्लेन ही नहीं करता। ये बताता ही नहीं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का अगर कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है ना, जो पेंटागनल कॉम्प्लेक्स हो सकता है या टेट्रागोनल वो सॉरी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो उसकी किस तरह से फॉर्मेशन होगी उसको ये एक्सप्लेन ही नहीं करता। दूसरी चीज ये क्या एक्सप्लेन नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेक्ट्रास होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, उनको एक्सप्लेन नहीं करता। अब ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रास होते हैं बेटा, देखो जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर आप स्टडी करते हो ना, तो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्यादातर कैसे होते हैं? कलर्ड। अब वो कलर कहां से आया? अब वो कलर आपको पता है कि अगर विजिबल रेंज की जो लाइट है वो अगर वो कंपाउंड एब्जॉर्व करेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा, ठीक है। अब उसके लिए चाहिए कि इलेक्ट्रॉन अपने लोअर शेल से हायर शेल के अंदर मूव करके जाए, एक्साइट होकर के, और एनर्जी इमिट करता हुआ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की विजिबल रेंज की एनर्जी को इमिट करता हुआ वापस आए, ठीक है ना। तो अगर ये वापस आता है तो एनर्जी जो इमिट करता हुआ आएगा विजिबल रेंज की, उसी तरह का कलर ये शो करेगा। अब यहां पर डी ऑर्बिटल्स तो है सारे के सारे डिजनरेट, इनकी एनर्जी सेम है, तो डी इलेक्ट्रॉन्स या किसी भी टाइप के दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांजिशन कैसे करेंगे? अगर सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दिक्कत ये आती है कि सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब हम उनको एनर्जी हल्की सी प्रोवाइड करेंगे तो वो कलर कैसे शो करेंगे, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होता या इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के हायर शेल्स में नहीं जाता तब तक वो कलर शो कर नहीं सकता, ठीक है। अब ये थ्योरी ये बताती नहीं कर सकते हैं जी बेटा, डीडी ट्रांजिशन से या फिर चार्ज ट्रांसफर से। हाँ बेटा, डीडी ट्रांजिशन कर सकते हैं लेकिन बैलेंस बॉन्ड की थ्योरी नहीं बताती ना। डीडी ट्रांजिशन जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताती है कि हाँ, ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ये आपके जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ये दो सेट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। एक की एनर्जी कम होती है, एक की ज्यादा होती है, तो ये टी टू जी सेट और ई जी सेट के अंदर स्प्लिट हो गए। अब यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने एनर्जी लेकर के यहाँ मूव कर सकता है ईजी सेट में, तो टी टू जी से ईजी सेट के अंदर मूव कर सकता है और फिर वापस अपने इसमें आएगा तो एनर्जी इमिट करता हुआ आ जाएगा। इसको हम डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं, लेकिन वो यहाँ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताती है। हम यहाँ पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन पढ़ रहे, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रास के बारे में ये नहीं बताता। एक और चीज क्या नहीं बताता कि इनर आउटर ऑर्बिटल कब बनेंगे उसके बारे में नहीं बताता। क्यों? क्योंकि लिगेंड्स के बारे में नहीं बताता कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, क्योंकि जब तक हमें लिगेंड्स के बारे में नहीं पता होगा तो हम बता ही नहीं सकते कि वो कब इनर ऑर्बिटल काम में लेगा और कब वो डी ऑर्बिटल के आउटर जो ऑर्बिटल्स हैं उनको काम में लेगा। साथ में ये भी नहीं बताता कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो किस तरह का कंपाउंड बनाएगा, वो टेट्राहेड्रल बनाएगा या ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, वो नहीं बताएगा, ठीक है ना। ये क्यों नहीं बताता है? क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि लिगेंड किस तरह का है, क्योंकि लिगेंड पर बेस है। अभी जो हमने दो एग्जांपल देखे कि हमारे पास में निकल के पास में सीएन थे, हमारे पास निकल के पास में क्लोरीन थे। अब दोनों ही केसेस के अंदर हमें अगर ये पता ना हो कि ये किस तरह का लिगेंड है, ये क्लोरीन किस तरह का लिगेंड है, तो हम बता ही नहीं सकते कि वो टेट्राहेड्रल बना रहा था या स्क्वायर प्लानर बना रहा था। तो दैट इज वाई यहाँ इस बात की भी एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिलती। साथ में ये भी नहीं बताता कि रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की है उसकी रेट क्या रहेगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है या मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है उसके बारे में भी किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करता। और एक और बात जो ये नहीं बताता वो ये कि जो कलर बिहेवियर है, अभी मैं यहां पर जो आपको बता रहा था, जो कलर बिहेवियर है
बिहेवियर। जो टीएमसीज होते हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनका मेन नेचर ही ये है कलर। ये सारे के सारे ज्यादातर कैसे होते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। और कलर्ड क्यों है उस बारे में इसकी कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। साथ में जब कलर बिहेवियर की नहीं है तो जो स्प्लिटिंग की जो यहाँ थ्योरी है उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि चलो अगर हम ये कहें कि चलो डीडी ट्रांजिशन के थ्रू कर लेता है, लेकिन ये नहीं बता पाता कि डीडी ट्रांजिशन होगा कैसे जब सारे के सारे ऑर्बिटल्स एक जैसी एनर्जी के होंगे, डिजनरेट होंगे, समभ्रंश कक्षक होंगे, तो वहां एनर्जी लेकर के वो एक्साइट होकर के जाएगा कहाँ, अपने घर पर ही तो है, अब वहां कितना एक्साइट हो सकता। और एक जो सबसे लास्ट लिमिटेशन है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करती, वो ये है कि जो डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्शन जो सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो डिस्टॉर्शन आता है उसको ये एक्सप्लेन नहीं करता। अब डिस्टॉर्शन क्या है इसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि मान लीजिए कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये इसके 6 लिगेंड्स हमने जोड़ दिए मेटल के साथ, लेकिन अगर मैं इन लिगेंड्स को, ये जो लिगेंड्स जो जेड एक्सिस पर हैं, इन लिगेंड्स को इस मेटल से दूर लेके जाऊं, ठीक है ना, तो क्या होगा, मेरे पास में एक ऐसी स्थिति बनेगी जहां पर ये एल और एल, ये दो लिगेंड्स जो हैं उनकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी मेटल से। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो टेट्रागोनल कहलाता है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ऑक्टाहेड्रल कहलाता है। ये तो आपका ऑक्टाहेड्रल है और ये आपका टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल। तो है तो ये भी वही ऑर्डिनेशन नंबर 6 ही तो है, दिखने में भी वैसा ही है ऑक्टाहेड्रल, लेकिन ये जो बॉन्ड दो हैं मेटल लिगेंड बॉन्ड ये डिफरेंट लेंथ के हैं, इस वजह से ये टेट्रागोनल कहलाता है। तो ये डिस्टॉर्शन है एक्चुअली। तो इसे हम इस टेट्रागोनल की जगह इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे यहां पर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो इस बारे में ये बताता ही नहीं है कि डिस्टॉर्शन कैसे होगा, क्यों, क्योंकि देखो जब यहां पर हम डी स्प्लिट डी ऑर्बिटल्स को ही बोल रहे हैं कि साहब ये तो बिल्कुल सेम एनर्जी के हैं, तो यहां कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर यहां पर हम स्प्लिटिंग बताएंगे, जब हम सीएफटी पढ़ेंगे उस समय जब हम स्प्लिटिंग बताएंगे तो वहां पर हमारी बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, जैसा कौन यहाँ पर जो जेड एक्सिस के साथ में है, जो डी ऑर्बिटल्स हमारे पास में 5 हैं, उन 5 में से ये दो ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, जिसको आप यहाँ पे ईजी सेट बोलते हो, ये ईजी सेट। और बाकी के जो 3 होंगे वो होंगे आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये जो होंगे ये जो हमारे पास एक्सेस है उसके बीच में होंगे। अब बीच में होंगे तो जब लिगेंड इसकी तरफ आएगा तो वहां पे स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि वो उनके अलोंग नहीं है तो रिपल्शन कम होगा। तो ये सब बातें ये बता ही नहीं रहा, और जब बता नहीं रहा तो जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो यहाँ पे सारा का सारा सिमेट्री का खेल आ रहा है, और सिमेट्री का खेल होने की वजह से हम बोलेंगे कि सब स्पेस जो शेप है वो कैसी है, रेगुलर। और जब तक यहां पर हम इररेगुलर और इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिल करेंगे इन ऑर्बिटल्स में, तब तक हमें वो डिस्टॉर्शन समझ में ही नहीं आएगा, या ना हम उसको एक्सप्लेन कर सकते। तो यहां पर सारे के सारे स्ट्रक्चर्स रेगुलर आते हैं, और अगर ये यहां हो जाता है तो अब इररेगुलर आ सकता है। अब देखो ये खाली है और यहां पर ये आधा भरा हुआ है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। अब अनसिमेट्रिकल जहां पर भी होगी वहां पर डिस्टॉर्शन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो वो बताता है आपका सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो एक इफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं जॉन टेलर इफेक्ट, और इस जॉन टेलर इफेक्ट के थ्रू हम इस डिस्टॉर्शन को एक्सप्लेन कर पाते। बट वो अभी सिलेबस की बात नहीं है, फिलहाल आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है जिसको आपको पढ़ना है और समझना है कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना, क्लियर। तो आई थिंक आप लोगों को सभी को ये सारी बातें जो भी हमने इस कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में की हैं वो सब समझ में आ गई होंगी, चाहे हम उनका नाम जो नोमेनक्लेचर है वो हो
या हमने उनकी जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल करके उनकी स्टेबिलिटी जो बताई थी वो हो, जो स्टेप वाइज इनकी फॉर्मेशन हुई थी वो हो, या इनकी जो आइसोमेरिज हमने पढ़ी है स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज, जिसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज पढ़ी हमने, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाली, और ये जो लास्ट का टॉपिक जो हमने पढ़ा कि जो फॉर्मेशन है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फॉलो करते हुए होती है, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और ये चैप्टर हमारा इतना ही था।